मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। चलिए आज हम ब्रेड पिज्जा बनाते हैं। उसके लिए मैंने जो दूध का छाली होता है मलाई वो लिए हूँ, और उसके बाद मैं लूँगी सूजी। सूजी इतना लेना है कि ये जो मेरा मलाई है उसमें कोटिंग करने लाइक हो जाए। जैसे देखिए एक इसमें एक चम्मच और पड़ेगा। अब उसमें जाएगा शिमला मिर्च। आपके पास शिमला मिर्च ग्रीन, रेड, येलो जो भी हो सारे डाल सकते हैं आप। ये गया प्याज, ये गया लाल मिर्च पाउडर, ये है नमक, और ये गया जीरा भुजा हुआ और काली मिर्च का पाउडर। सारे को डालकर हम इसको मिक्स कर देंगे। इसमें मक्का हरा जो आता है वो भी डाल सकते हैं, डालिएगा अच्छा लगता है। अब उसमें जाएगा थोड़ा सा चिली सॉस और टोमेटो सॉस। अब उसको हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। साड़ी को इस तरह से लगाकर हम कोई भी चीज़ नून कढ़ाई या तवा कोई भी चीज़ में, इसमें ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं लगाना है, थोड़ा सा हल्का बटर डालकर इनको फ्राई करना है। अब चलिए इनको हम फ्राई करते हैं, सेकते हैं। इसके लिए मैं घी ले रही हूँ, मेरे पास बटर नहीं है, बटर ख़त्म हो गया है इसलिए मैं घी ले रही हूँ। थोड़ा सा इसको गर्म होने दूंगी। मैं सब्जी बनाना है इसलिए कढ़ाई में बना रही हूँ, ऐसा कोई बात नहीं कि इसमें कढ़ाई में ही बनाना है। नॉन स्टिक में बनाइए सबसे अच्छा रहता, चिपकता भी नहीं है। इसमें बनाइए सबसे अच्छा, नहीं तो तावा रोटी बनाने वाला पर बनाइए। मैं इसमें सब्जी बनाना है तो इसलिए मैं इस पर बना दे रही हूँ कि मेरा दोनों हो जाएगा। अब उसको जो घी मैं डाली हूँ उसको कढ़ाई में चारों बगल इतना दिए, इससे मेरा जो ब्रेड है चिपके नहीं। अब चलिए इसको हम इस तरह से जिसमें हम कोटिंग किए हैं ऊपर से उसी को अंदर की ओर कढ़ाई में रखना है। देखिए इस तरह से आप इससे कम भी घी और बटर में डालकर सेक सकते हैं, हल्का बस खाली कढ़ाई में चिपके नहीं। मुझसे बिन चम्मच के डालें इसलिए घी लिया ज़्यादा, और थोड़ा सा मैं ज़्यादा तेल खाती भी हूँ, बीमारी है मेरे को, कितना चाहते हुए नहीं कम कर पा रही हूँ। कोई ट्रिक बताएं कमेंट में, मैं क्या करूँ। अब चलिए इनको हम पलट देते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा चिपका तावा में, और चाहे नॉन स्टिक रहता है उसमें नहीं चिपकता है। मैं कढ़ाई को थोड़ा सा ज़्यादा सब्जी के लिए गर्म होने दी थी ना, इसलिए थोड़ा सा चिपक गया है।
अब इसी समय क्या करेंगे हम कढ़ाई को, सॉरी फ्रेम, गैस को स्लो कर देंगे। और स्लो करने के बाद इस पे मैं चीज़ डाल रही हूँ। चीज डालने के बाद मैं क्या करूंगी, हल्का छिटका मारूंगी। छिटका मारने के बाद इसको ढक दूंगी बस 2 मिनट के लिए। इस समय गैस का जो स्लो रहेगा, फास्ट नहीं रहेगा। चलिए ये बनकर तैयार हो गया है। अब इनको हम प्लेट में निकालते हैं। चलिए ये पेड़ा चीज बनकर तैयार हो गया है। ब्रेड चीज अब इन पर हम सजाते हैं। पहले मैंने इसमें टोमेटो सॉस डालूंगी, उसके बाद आप इस पे घर का बनाया हुआ पुदीना का चटनी, जो भी चटनी पसंद करते हैं कि आप डालिए। इस पर आप इमली का चटनी भी डाल सकते हैं। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। बहुत अच्छे, बच्चे को भी पसंद आएंगे और बड़े को भी पसंद आएंगे। और 5 मिनट में बन जाने वाला ये नाश्ता है। सुबह चाय के साथ भी दे सकते हैं, शाम में आप चाय या नाश्ते के साथ दे सकते हैं। चाहे कोई मेहमान भी आए तो उनको ये परोसे, बहुत अच्छा लगेगा, यम्मी यम्मी लगेगा।